सो गाइस अभी अपना जो है फेस ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। हे गाइस वेलकम बैक। सो अभी बज रहे हैं दोपहर का 1:30 एंड मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार आपको पता ही है वीकडे होता है तो अपन जो है थोड़े से ऑक्यूपाइड रहते हैं इस टाइम तक और इससे थोड़ा सा आगे भी, बट कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो अभी व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। एंड अभी का सीन ऐसा है कि मम्मी को स्कूल लेके जाना है क्योंकि मम्मी को स्कूल में थोड़ा बहुत कुछ काम है। बताओ छुट्टियां हो रखी हैं फिर भी काम है, पर कोई नहीं ले चलते हैं। मम्मी बोल रही लेके चला और धूप इतनी ज़्यादा है तो मैंने गाड़ी से ही चलते हैं। अब धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी बट वो कोई बात नहीं कर लेंगे क्योंकि अभी बैटरी का काम भी करवाना है गाड़ी का, वो भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, भूख लग रही है, 1:30 बजे कुछ खाया है नहीं अभी तक। सो देखते हैं क्या है आज ब्रेकफास्ट। सो गाइज आज जो मैंने ब्रेकफास्ट मंगवाया है वो मेरी कॉलोनी में एक मेरा भाई है उसने स्टार्ट किया है डाइट फूड का सारे जिम लवर्स के लिए। तो आप ये देखो कितना अच्छा स्टर वेजिटेबल उसने बना के दिया है विद चिकन ब्रेस्ट एंड यहाँ पे जो है वो चिकन सैंडविच है। मैंने टेस्ट कर लिया थोड़ा सा, अच्छा लगा, बहुत टेस्टी है। पवित्र गुड जॉब, बहुत ही बढ़िया है। सो जिसको भी जो भी जिम लवर है एंड चाहता है कि थोड़ा सा अच्छा घर के खाने से हटके कुछ खाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करो, ऑर्डर करो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया पवित्र। सो गाइज मस्त हो गया ब्रेकफास्ट एंड बहुत ही बढ़िया टेस्ट था यार, मज़ा आ गया खा के। एंड अब जा रहे हैं स्कूल, गाड़ी तो स्टार्ट होनी है, धक्का लगाओगी? हाँ लगाओगी। चलो अभी जब तक सही नहीं हो रही तब तक तो धक्का परेड करनी पड़ रही गाड़ी के साथ यार। तो नहीं कर रहा, क्या सही कर रहा। पर अभी मैं आजकल मैं करा लूँगा इसको पक्का। सो निकल पड़े हैं स्कूल के लिए एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यार आजकल। अभी बीच में मौसम सही हो गया था, पता नहीं अब फिर से गर्मी शुरू हो गई। अब गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ेगी तो सर्दियों में गर्मी पड़ेगी। ये स्वैगर स्वैगर अनु अनीता मैम स्वैगर हो रही है स्वैगर। हो गया काम? हाँ, हो गया। इतनी सी देर का लीव एप्लीकेशन देना था एक लीव। ये किसकी शादी का नहीं होता उठा लाइयो? अरे वो ना माली के बेटे ने की शादी होगी जीवन की। अच्छा, अच्छा, बेटे की तो उसने मुझे दे दिया। चलो बढ़िया, चलो हो गया काम। और कुछ काम है? अब कुछ नहीं है, सब्जी अब फ्रूट लेके लेने के लिए रुक जाना यार शिवम, अब ये मत बोलना गर्मी हो रही है। मैं तो गाड़ी में बैठूंगा भैया, आप लेके आना मैं ले लूँ। सो भर दिया मम्मी ने सारा सामान वो नहीं मिले लीची अच्छी वाली। और कुछ रह गया? लीची नहीं मिली डंकी। चले अब घर, गर्मी देखो जरा पसीने पोछ लो यार इसको। सो आगे हैं घर पे एंड जो है सारे फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं मम्मी ने, बढ़िया है। सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। सो जो भी है नहीं खाता है खाओ, सीजनल फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। बढ़िया था, गुड आफ्टरनून। आप दो दिन घर पे नहीं थे, घर बहुत सोना सोना लग रहा था। सो गाइस पापा जी गए थे कानपुर, सही था आपका कानपुर का ट्रिप? बढ़िया। फैमिली में कोई एक बंदा घर पे ना हो ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा ना ऐसे खाली खाली सा हो गया घर। सो गाइस आज जो है बीवी का प्यार मिल रहा है, मतलब चंपी मिल रही है मेरे को। मैंने इसको बोला मेरे को ना बहुत सर दर्द हो रहा है, एक्चुअली ना नींद नहीं पूरी हो रही, 2-3 दिन हो गए हैं और इतना सर दर्द हो रहा है ना, तो मैंने कहा यार पहले चंपी कर दे फिर जो है। एक्चुअली हेलमेट लगा के ना बाल बिल्कुल ऐसे चिंग चिंग से हो गए अजीब से। मोनी बढ़िया करे कर दे यार एकदम, वाह 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 वाह। कहाँ गए हाथ, कहाँ गए हाथ तेरे? अरे ज़्यादा मत लगा तेल, मेरे को अच्छा नहीं लगता तेल लगाना। और यहाँ अम्मा सो रही हैं तो चलो करते हैं बढ़िया। नशा कर दिया यार मोनिका ने तो, मैं तो सो गया था ये मसाज दे देती था। ओह माय गॉड थैंक यू। चलो मम्मी स्कूटी लेके आनी है, चल इधर भी मम्मी चलेगी। और तो स्कूटी नहीं चलानी आती आप? अम्मा एक काम करो आप बुलेट ले जाओ, अम्मा मम्मी को पीछे बैठा लो। अच्छा। और स्कूटी ले आओ ठीक है? ठीक है चला लोगे बुलेट? हाँ। ये यार मेरे को तो भाई मस्त सो के आया हूँ मैं एकदम बढ़िया नींद लेके, अब एकदम ऐसे फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। पर अभी कैसा है कि वो एजेंसी बंद हो जाएगी, स्कूटी कल से वहीं खड़ी हुई है, अब लेके आनी है। बट यार अभी वहाँ जाके ना मुझे लग रहा है बहुत माथा पट्टी करनी पड़ेगी, पर वहाँ चल के ही देखते हैं क्या होगा। बैठो भैया। गुड इवनिंग, कहाँ पर है? अरे भाई साहब चलो चल रहे हैं, मम्मी को लेके जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी स्कूटी लेके आएंगे वापस वहाँ से। अच्छा तो सो गाइस आ गए सुजुकी पे एंड जो है यहाँ पे
वो ये बोल रहे हैं कि बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक है, कभी भी ख़राब हो सकती है। बट एक साल में ख़राब हो जाए ऐसा तो यार मैंने सोचा ही नहीं था। और मम्मी थोड़ा गुस्से में, मम्मी शांत हो जाओ, कर रहे हैं वहाँ पे अंदर कुछ काम है। गुस्सा मम्मी तो लड़ाई करने लग गई। तो यहाँ पे फ्यूल पम्प चेंज हो रहा है गाड़ी का। तो गाइस मिल गई है स्कूटी एंड भाई ने, आपका नाम क्या है? यासिर भाई ने बहुत अच्छी हेल्प करी, मतलब उन्होंने जो गलती थी वो हटा, मम्मी गुस्सा हो गई थी बट उन्होंने वेरी गुड, थैंक यू। सो आज मैं और मम्मी निकले हैं राइड पे, वहाँ से स्कूटी मम्मी चला के ला रही है, ये मम्मी को भी सारे काम आते हैं, स्कूटी भी चला लेती है, बताओ यार। ये Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say. So आ गए हैं घर पे, एंड आप देखो कि छोटे छोटे कितने सारे काम होते हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में। तो जैसे मेरी ज़िंदगी में भी बहुत छोटे छोटे से काम है, कभी मम्मी को यहाँ ले जाना है, कभी कोई सामान लाना है, कभी जो है सब्जी लेके आनी है, बट अभी तो फिलहाल मम्मी गई है सब्जी लेने। सो गाइज ये सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं कि ना तेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से दिख रहे हैं इनको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं या क्या हो रहा है। तो अब मम्मी मम्मी देखो यहाँ पे पूरा फेस उसकी ना फेस मसाज की फेशियल का वो ले आई है किट पूरी अपनी, कह रही है अभी तेरे डार्क सर्कल हटाती हूँ। मोनी कहाँ हो रहे हैं डार्क सर्कल? इतने शिव आपके डार्क सर्कल्स थे ही नहीं। मम्मी हो रहे हैं क्या यार? वैसे नींद नहीं पूरी हो रही ना, इस वजह से हो रहा है, क्योंकि रात में एडिटिंग में इतना टाइम लग जाता है। तो मोनी एक तो ये कटोरा आटा देखना। हाँ अरे यहाँ पे शुरू हो गए, मम्मी बढ़िया कर दो एकदम शानदार। सो गाइस अभी अपना जो है फेस ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। आज पता नहीं आज मेरा दिन शायद अच्छा जा रहा है, आज पहले बीवी ने मसाज दे दिया, मम्मी जो है वो, मम्मी पहले मेरे बाल बांधो यार ऐसे ऊपर करके। अब कौन होनी तू ले क्या? बाल ऊपर करके बांधो ऐसे, ये क्या है? ऐसे नहीं चलेगा भाई तुम्हारा पार्लर, तुम्हारा पार्लर ऐसे नहीं चलेगा। ना 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 ऐसे नहीं चलेगा, गलत वाला उठा लाई हट, मैं नहीं करा रहा इनसे, पता चले वो मम्मी हेयर रिमूवल क्रीम तो ले आई, पता चले सारी सारे भौवें उड़ा दी मेरी हेयर रिमूवल क्रीम से। पहले मेरे को सारी क्रीमें चेक कराओ आप क्या क्या लेके आई हो। मम्मी यार क्या 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 मेकअप आर्टिस्ट बनेगी रे तू, ये क्या ले आई? क्या ये क्या शावर क्या? यार मैं बहुत बुरा लग रहा होगा, मत करो ना, नहीं लग रहा। गर्मी मेरे को इसको देख के गर्मी लग रही है। अम्मा गर्मी लग रही है यार। अच्छा लाओ दे दो। मम्मी शावर कैप ले आई। शावर कैप आपने क्यों पहन लिया? शावर करने जा रही हो? हाँ। सो मम्मी आप क्या कर रही हो अभी? अभी मैं स्क्रब कर रही हूँ। चलो गाइस अभी मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, मम्मी को करने देता हूँ जो भी कर रही हैं। अब नेक्स्ट वीक तुम्हारी करूंगी मैं। कितना रिलैक्स लग रहा है यार। शिवम रिलैक्स लग रहा है? शिवम चलो थोड़ा ठीक है आराम। सो गाइस नहा धो के हो गया रेडी, एंड यार क्या निखार आ गया यार तुम्हारे भाई के चेहरे पे, कहाँ छुपा था ये चेहरा? भाई बिल्कुल इतना फ्रेश फील हो रहा है ना इस टाइम पे, क्योंकि इतनी बढ़िया मसाज थी, मैं तो सो गया था। एंड जो है ये मेरी एक भाव कम क्यों लग रही है? अच्छा नहीं इक्वल है। सो चलो फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं जिम, अभी पूरा नहा धो लिया हूँ, अभी मैं फिर पसीने में होके पूरा ये जितना भी मैंने कराया वो सब खराब करता हूँ, जा रहा हूँ जिम वर्कआउट करके आता हूँ। एंड आज फ़ोन में बैटरी नहीं है तो फ़ोन लेके नहीं जा रहा, फ़ोन यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ जाता हूँ जिम करके आता हूँ, एंड फिर आपको अपनी हालत दिखाता हूँ। अभी देख लो ये हालत, और अब देखना 1 2 3। सो गाइज आ गया हूँ जिम से, एंड जो है मस्त वर्कआउट हो गया, एंड सबके लिए आइसक्रीम लेके आया हूँ मैं। ये देखो हाथ वाली जो उस दिन दिखाई थी ना रामपुर की फेमस, भाई बड़ी शानदार आइसक्रीम है। एंड ये अम्मा के लिए भी, अम्मा बाजार का नहीं खाती ना तो ये कुल्फी लेके आया उनके लिए। अरे मतलब बाजार का इन द सेंस कि अम्मा अम्मा ना वो वाला खाती है कंपनी वाला, ये ऐसे हाथ वाथ वाला नहीं खाती है। पैक्ड वाला खाती है। पैक्ड ये देखो जरा क्या वो टेस्टी है। टेस्टी है कितनी मिट्टी लग रही है खाते हुए। अम्मा आपको तो सेंसिटिविटी होती नहीं होगी, आपको तो दांतों में लगता ही नहीं होगा। मिठी हेलो। सो गाइज एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर लिया, एंड डिनर भी कर लिया था मैंने, मतलब आज ज़्यादा मैंने कुछ खाया नहीं, भूख नहीं लग रही थी,
क्योंकि ना आज जो था जिम में ना मेरे बैक पे थोड़ी सी ना चोट लग गई। चोट क्या मतलब, वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया तो बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, तो बट उसी दर्द में मैं लेटा हुआ हूँ। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा। Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't need.